अस्सलाम वालेकुम, आपको मेरे चैनल खाना पकाने में खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए एक बहुत मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ जो आपके साथ शेयर करूँगी। रेसिपी है आलू गोश्त की। आलू गोश्त हम सब जान रहे हैं कि ये हमारा ट्रेडिशनल खाना है और बहुत पसंद किया जाने वाला खाना है ये आलू गोश्त। इसमें जो हमें चीज़ें चाहिए उनमें से मैंने क्या किया है आज कि बीफ मैंने आलू गोश्त के लिए लिया है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हम बीफ से ही आलू गोश्त बनाएं, मटन से भी बना सकते हैं और चिकन से भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ बोनलेस बीफ 750 ग्राम तकरीबन मैंने बीफ के लिए हैं, लेकिन आप इसमें बोनलेस के बजाय अगर चाहें कि हड्डी वाले से बना लें तो भी आप ये सालन बना सकते हैं। बल्कि मुझे तो वो जो हड्डी वाला गोश्त होता है उसका सालन ज़्यादा मज़े का लगता है, क्योंकि उसमें चिकनाई भी होती है और इससे फ्लेवर एक अच्छा सा आता है। लेकिन जाहिर है कि वो ज़्यादा फैट्स पसंद नहीं किया जाता, हेल्थ के लिए भी सही नहीं है, तो इस वजह से प्रीफर हम यही करते हैं कि हम बोनलेस लें और विदाउट फैट लें। तो गोश्त को मैंने इसीलिए तकरीबन हाफ डन कर लिया है, अदरक लहसुन में मैंने इसे बॉईल कर लिया है। और तकरीबन हाफ डन का मतलब क्या है कि मैंने इसे गला लिया है, तकरीबन 80% मैंने इसे गला लिया है। इसके अलावा आलू को मैंने बॉईल कर लिया है, बॉईल करके मैंने इसके पीसेस कर लिए हैं। और इसी तरह से टाइम सेव करने के लिए मैंने ये भी किया है कि प्याज को ब्राउन किया है। दो मैंने दरमियानी प्याज ली है और प्याज को मैंने ब्राउन करने के बाद इसे निकाल कर दही के साथ ग्राइंड कर लिया, पीस लिया है, इसे अच्छी तरह से इसको ब्लेंडर में डालकर पीस लिया है। अब इसके बाद हम पकाने का काम शुरू करेंगे, तो चले आए हम इसे पकाते हैं। मैंने इसी पतीली में प्याज को फ्राई किया था और उसे निकाल कर ब्लेंड किया था। इसी में मैं इसी तेल में बर्फ पकाने के लिए इसमें इस्तेमाल कर लूँगी। अब इस तेल को मैंने गर्म किया है और इसमें ये साबित जो मसाले हैं ये डालूंगी। 4-5 मैंने इसमें काले मिर्च के दाने लिए हैं, 2 इसमें तेज़पात लिए है, 2 ये दालचीनी का टुकड़ा है, छोटी इलायची है, बड़ी इलायची है और लौंग है 4-5। ये मैं इसमें डाल दूंगी और डालने के साथ ही मैं इसमें ये जो गोश्त है इसमें डालूंगी। गोश्त को मैं इसमें डालकर फ्राई करूंगी, थोड़ा सा फ्लेम को तेज़ करूंगी, इसलिए कि मैंने इसे अदरक लहसुन में गलाया है। थोड़ा सा और इसे गलना है, मैं थोड़ी देर के लिए इसको गलने के लिए छोड़ूंगी, लेकिन सबसे पहले मैं इसमें मसाले डाल दूंगी कुछ। इसके लिए मैं इसमें 1 खाने का चम्मच ये लाल मिर्च, 1 खाने का चम्मच कुटी मिर्च और 1 से कुछ कम ये मैं हल्दी पाउडर इसमें ऐड करूंगी। नमक बहुत थोड़ा सा मैं यूज़ करूंगी, 1/2 टीस्पून। इसकी वजह ये है कि मैंने गोश्त को बॉईल करने के लिए जब रखा था तो उसमें मैंने नमक का इस्तेमाल किया। ये देखिए ये मसाला हम अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और इसी में मैं लो फ्लेम के साथ इसे थोड़ी देर के लिए इसमें छोड़ूंगी, लेकिन मेरे क्योंकि गोश्त जो है वो पहले ही गला हुआ है, तो इसमें मैं दही के साथ जो मैंने प्याज को ब्लेंड किया है वो भी इसमें शामिल कर दूंगी। और अब मैं इसे तकरीबन 20 मिनट के लिए दोबारा गलने के लिए छोड़ दूंगी। अब ये तकरीबन हमारा गोश्त जो है वो गल चुका है, माशाल्लाह देखें कितना प्यारा कलर आया है और ज़बरदस्त इसमें खुशबू भी आ रही है। अब इस गोश्त में आलू शामिल कर देंगे।
आलू भी आप अपने जो भी आपके रिक्वायरमेंट है रिक्वायरमेंट से ले सकते हैं, क्योंकि मैंने 750 ग्राम गोश्त में 500 ग्राम आलू का रखा है, इसलिए कि मेरी रिक्वायरमेंट इतनी ही थी। अब इसमें हरी मिर्च डालेंगे, इतना खूबसूरत इसका कलर आया है। शोरबे के लिए पानी डालेंगे, ग्रेवी के लिए अब आप देख लीजिए, अगर आपकी जो रिक्वायरमेंट है आप इसे कम रखना चाहें, इसकी मतलब कंसिस्टेंसी आप कम रखना चाहें या ज़्यादा रखना चाहें, जिस तरह से ज़रूरत होती है उसी तरह से हम इसकी कंसिस्टेंसी रख सकते हैं। ये अब इसमें बॉयल आने के बाद ऊपर से हम इसमें गरम मसाला पाउडर जो है वो डालेंगे। शोरबा हमारा पक चुका है, इसमें देखें ये मैं गरम मसाला पाउडर डाल रही हूँ, 1 से 1.5 खाने का चम्मच। थोड़ा सा ये मसाला जो है वो कुटा हुआ है, बहुत बारीक पिसा हुआ मसाला नहीं यूज़ करेंगे। ये तकरीबन ये अब इसकी मैंने कंसिस्टेंसी ये रखी है, ठीक है, गोश्त की क्वांटिटी के हिसाब से। तो ये है आज की रेसिपी, आलू गोश्त मज़ेदार से आलू गोश्त की रेसिपी, गर्मा गर्म नान के साथ इसे सर्व करें और ट्राई ज़रूर कीजिएगा। कैसी लगी ये रेसिपी कमेंट में ज़रूर बताइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। ये मैं इसलिए कहती हूँ ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो टाइम पर मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।